ऐसा ही करो। एक्चुअली हम लोग हमेशा ब्रांड्स के लिए परफॉर्म किए हैं या स्टेज शोज के लिए, बट ये एक अलग है बिकॉज इसमें बहुत इमोशंस भी अटैच्ड है। हमारे फैंस जो हमें वीडियोस में देखते हैं, आज वो यहाँ पर आए हैं हमें लाइव देखने के लिए, और काफ़ी दिनों से इसके लिए प्रैक्टिस चल रही है, तो एक इमोशनल कनेक्शन भी है इस परफॉर्मेंस से। सारे क्रिएटर्स लोग के लिए एक शो है जो बहुत ही घर वाला फीलिंग है, और काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से हम ऐसा कुछ के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि पहले जब म्यूजिकली था तभी MNGs मीट एंड ग्रीट्स बहुत होती थी, और अब उसके बाद ये वाला जो हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड हुआ है, I guess, और बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड है, और बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग है और अच्छे वाइब्स है। बताना नहीं चाहते हैं, चलो ये वैसे भी आई थिंक बाद में आने वाला है। सो हम बेसिकली फ्यूजन कर रहे हैं, मतलब रीजनल एक्ट कर रहे हैं, जैसे हर इंडिया के फ्लेवर्स दिखा रहे हैं, मराठी पंजाबी फॉर आर फैम, साउथ इंडियन पूरे बट नॉट मतलब एकदम वो प्रॉपर वाले नहीं, बट एकदम तड़का वाले जो एकदम ऑथेंटिक जा रहे हैं, और आप देखना, आप देख लो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं नहीं, आज मैंने छुट्टी लिया है, आज मैं सिर्फ परफॉर्म करूँगा जो मैं एक्चुअल में करता हूँ। सो मैं सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म करने वाला हूँ, और मैं शायद टीच भी करूँगा डांस मेरे फैंस लोग को ऊपर स्टेज पे जाके। बहुत कुछ आने वाला है, कुछ बड़ा आने वाला है। एक चीज़ है जो हमको बताना है कि एक म्यूज़िक वीडियो है जो हम फीचर कर तो रहे पर उसमें हमने डायरेक्ट भी किया है। सो स्टोरी लाइन डायरेक्शन हम दोनों कर चुके हैं, अब देखते हैं उसका कैसा लुक आएगा। सलमान सर को कब डांस कराने वाले आप अपने सॉन्ग में? आप कभी डांस करवाते तीनों खान को, कब आप डांस करवाएंगे? इंशाल्लाह अगर ऊपर वाला चाहेगा तो हम बहुत उनको सिखाने की भी जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, वो खुद ही एक वो मेरे ख्याल से तो कोरियोग्राफर का काम सबसे इजी कर देते हैं, क्योंकि वो ही सिग्नेचर निकाल देते हैं एक 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 से एक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रमोट करने के लिए भी
टिकटॉक के गाने भी गा रहा हूँ आज मैं स्पेशली, तो रुला के गया इज द सॉन्ग विच आई एम गोना सिंग फॉर ऑल ऑफ देम. एंड इट्स अ बिग नाइट, सारा बॉम्बे आ गया मुझे लग रहा है यहाँ पे, बॉम्बे पूरे आसपास के सारे लोग आए, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नाइट. आई होप परफॉर्मेंस सबको पसंद आया एंड सब लोग इन्जॉय करें आज की रात को. तू ऐसे जुदा हुआ मैं रात तू सुबह हुआ, तुझ पे मैं मरता रहा, तुझे याद मैं करता रहा, रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल ये मेरा, कैसे चुप मैं कराऊं वे, रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल ये मेरा, कैसे चुप मैं कराऊं वे. थैंक यू वेरी मच. I am so so excited and this is the first time, you know, when we started with digital influencers, videos banana shuru kiye the and it really became a trend in 2019 and in 2020 we actually have a digital influencers fest, you know, epic fam jam 2020. So I think hats off to Kyuki for getting such a brilliant idea of, you know, organizing a festival where you get all the digital influencers together for all their fans. So I think this is a big and a proud moment looking at the response here. So very excited, I'm going to be performing tonight and performing on all my favorite songs, all your favorite songs, Tere Bin Kime, Nazar Na Lag Jaye, Fruity Lagdi Hai, and so happy to be a part with everyone, Team 07, Team Tigara, Aviz Nagma, and Avneet and Siddharth, Jannat, we all have worked the entire year aur aaj sab hum apne apne gaano pe perform kar rahe hain, so it's a proud moment for all of us. I love all of them. I didn't want to say that, you know, ye mera favorite hai, but I love all of them and I think all people also love all of them. So tonight the epic is going to be Fruity Lagdi Hai, celebrating 70 million viewers, so excited to perform on it. Thank you. Thank you. Thank you so much, guys. Thank you. बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, फर्स्ट टाइम इंडिया में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है,
जो कि इन्फ्लुएंसर्स लोग का इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है, वो भी क्यूकी और पेटीएम इनसाइडर मिलके कोलैबोरेट करके इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया और इतना बड़ा स्टेज है, इतने सारे लोग आए, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और सब जन परफॉर्म कर रहे हैं और सब लोग का जॉनर भी ऐसा है जो अभी तक का लोग देखे नहीं। फर्स्ट टाइम डांस कर रहा हूँ वो भी इतने बड़े स्टेज पे, सबसे ज्यादा तो हंसते हैं, अंदर से डर भी लग रहा है कि इतने सारे लोग दोनों का ही देखने का डांस तो लोग कभी किए नहीं। बहुत सारी चीजें भी हो रही है, जैसे फैन जोन है, सुपर फैन जोन है, एपिक आफ्टर पार्टी भी है, वो प्राइवेट पार्टी होने वाली है तो बहुत मजा आने वाली है। जैसे अभी हम लोग शूट किए, सुबह से हम लोग शूट ही कर रहे थे फैंस लोग के साथ में, तो सुपर फैन जोन का था तो उसमें भी अलग अलग कॉन्टेंट थे, कोई जिम वाला बंदा है तो कोई बाइक राइडर है, कोई सुपर फैन में है, तो बहुत मजा आया सुबह से बहुत ज्यादा। अभी तो सब बहुत अच्छा फील हो रहा है और सबसे ज्यादा अभी खुशी इस बात की है कि अभी हम लोग का परफॉर्मेंस होने वाला है, जिसके लिए हम लोग 3 दिन से प्रैक्टिस भी कर रहे थे। हालत खराब हो गई है, कुछ खाए बहुत थक गए हम लोग, मगर हम लोग अपना बेस्ट देंगे, बेस्ट देंगे जरूर, आग लगा देंगे। तो वो अभी नहीं बता, वो सरप्राइज है, वो आप सरप्राइज देख सकते हैं, मजा नहीं आएगी अभी बता देंगे, मजा नहीं आएगा। तो सबसे हटके है इस बार वाला और सबसे अच्छा लगा और सबसे धमाकेदार है, सारी चीजें परफेक्ट है और फील है, फील और फील ऐसा है कि पूरी पब्लिक झूमेगी, मस्ती है, पूरी पब्लिक झूमेगी। ये बहुत अलग है और बहुत ही बड़ा है क्योंकि अभी तक का जियो गार्डन में मैंने ऐसा इवेंट देखा नहीं हूँ जैसे एपिक फैन जम हमारी कंपनी कर रही है क्योंकि डिजिटल मीडिया, तो बहुत मजा आने वाली है और सबसे अलग ही होने वाला है ये इवेंट अब तक का, तो बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। देख रहे हैं बिग बॉस भी, मगर अभी आजकल कुछ 1-1.5 हफ्ता हो गया नहीं देख पा रहे हैं और हमने सुना है कि इसमें आसिम एक बंदा है वो बहुत अच्छा खेल रहा है, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से ही है जैसे हम लोग हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वो अच्छा ग्रो कर रहा है उसमें, तो ऐसी सपोर्ट रहेगा उसको हमारी तरफ से भी, इंशाल्लाह जीतेगा वो। मेरा भी फेवरेट आसिम ही है, मैं इससे पहले फैज के सॉन्ग लॉन्च में भी मैं बोला था, हाँ आसिम और शहनाज की बात करने का जो बात करती है वो बहुत अच्छा है, मतलब सबको खींचती है अपने तरफ। मैं टिकटॉक पर वीडियो बनाया था, इतनी सुंदर लड़की भी पट्टी करती है। अगर जिसका बिग बॉस में नेचर खुला होता है और जो खुले मिजाज का होता है ना, वही होता है जो रियल होता है, तो हम लोग ने उसको आसिम में देखे उस चीज़ को, उसका एकदम खुला मिजाज है और वो जैसा खेलता है ऐसा लगता नहीं है कि कुछ स्क्रिप्टेड है, तो बहुत सही खेल रहा है। स्क्रिप्टेड तो रहता नहीं है वैसे कैप्टिव रियलिटी, क्योंकि मैं भी कर चुका हूँ स्क्रिप्टेड, मतलब वहाँ पे हवा उसका। हाँ सॉरी थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस, ऐसी सपोर्ट करते रहिए, बस आप लोग के सपोर्ट और प्यार से आज हम लोग यहाँ है, इंशाल्लाह हम लोग आप लोग को ऐसी अच्छी चीजें दिखाते रहेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, लव यू ऑल। व्हाट बाइट, हाय दिस इज गजेंद्र वर्मा एंड दिस आई एम रियली ग्लैड टू बी एट एपिक फैम जैम एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय क्यूकी and I'm a part of this team and you know, feeling lovely and excited for the performance. So many people have come, so yeah, so hope to have you on the stage side. See you guys.